हे गाइस, दिस इज आदित्य प्रकाश एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि हम लोग कॉलेज सीरीज के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, तो बहुत सारे कॉलेज के ऊपर पहले वीडियो बना चुके हैं। बीआईटी सिंधरी के ऊपर भी, डिफरेंट एनआईटीज के ऊपर, डिफरेंट प्राइवेट कॉलेज के ऊपर, तो बहुत सारे कॉलेज के ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाकी आईटी पे भी लिंक शो कर रहा होगा, तो वहां से आप ज्वाइन होकर देख सकते हैं। बाकी चलिए आगे उसी कॉलेज सीरीज के ऊपर आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस कर रहे हैं नए कॉलेज के ऊपर, जिसका नेम है जीएनआईओटी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, जो कि आप लोग ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए इस कॉलेज के ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप लोग कॉलेज फैसिलिटीज से लेकर प्लेसमेंट से लेके एडमिशन प्रोसेस से लेके फीस से लेके कट ऑफ से लेके सारा चीज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आप लोगों को। तो अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तभी अगर आप लोगों को डाउट रहता है तो मेरे को आप कमेंट कर दीजिए, सारा कमेंट का आंसर देते हैं, तो आप लोगों का भी कमेंट का आंसर हम देंगे। बाकी आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ऑलमोस्ट 300 प्लस स्टूडेंट पहले से ज्वाइन है, तो वहां पर जुड़ सकते हैं। आप लोग मेरे से रीच आउट कर सकते हैं, कुछ भी अगर आप लोग डाउट है तो मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं। आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, कहीं पर मेरे को आप रीच आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, बिना देर करते हुए आप लोग सारा चीज आप लोग बताते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इट्स अ रिक्वेस्ट टू योर गाइड, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, इट्स गिव मी लॉट्स ऑफ मोटिवेशन टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोस, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। चलिए अपने प्रेजेंटेशन में लेके चलते हैं, आगे आप लोगों को डिस्कस करते हैं। जैसे अपना कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा होगा, आप लोगों का स्क्रीन पे विजुअल होगा, तो चलिए आप लोग डिस्कस करते हैं जीएनआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी नेम आप लोगों का जीएनआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ग्रेटर नोएडा। तो ये आप लोग जीएनआईटी में डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इसमें अपडेटेड है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से। तो आप लोग जो कोर्सेस आप लोगों को परस्यू करना है उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और उस कोर्सेस को अपना परस्यू कर सकते हैं। आगे आप लोग बताएं कौन कौन से कोर्सेस इसमें अवेलेबल रहते हैं और क्या क्या फीस आप लोगों को भी आगे बताएंगे आप लोगों को। बाकी एस्टैब्लिश हुआ था आपका 2001 में, तो अभी बहुत ही अच्छा पुराना कॉलेज हो चुका है और इसमें डिफरेंट आप लोगों का अलग अलग एलुमनाई आप लोगों को और मिल जाएगा आप लोगों को, कोई आप लोगों को दिक्कत होने वाला है नहीं आप लोग, ठीक है। चलिए आप लोग बताते हैं कैंपस एरिया का। तो कैंपस एरिया आपका 18 प्लस एकर्स का कैंपस एरिया है, तो ऐसा कैंपस एरिया थोड़ा कम है क्योंकि आप लोग मेन सिटी में स्थित है, और अगर सिटी में स्थित है तो समझ सकते हैं आप लोगों को थोड़ा कैंपस एरिया थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। बाकी आप लोग कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं क्योंकि वास्ट नेट मार्केट एरिया है। आगे आप लोग बाहर निकलेंगे तो बहुत ही अच्छा आप लोग मिलेगा, सब चीज आप लोगों को अवेलेबल रहेगा आप लोगों को नियर बाय में, ठीक है। तो कोई दिक्कत होने वाला रहेगा नहीं आप लोगों को। लोकेटेड आप लोगों को बता दिया आप लोग ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है ये कॉलेज। भाई कनेक्टिविटी देख सकते हैं आप लोगों का, नियरेस्ट एयरपोर्ट आप लोग ग्रेटर नोएडा दिल्ली आप लोगों का जो एयरपोर्ट है, और 44 किलोमीटर आप लोगों का कि आप लोगों का वे, तो सामने ही आप लोगों का एयरपोर्ट, तो कोई आप लोगों को दिक्कत होने वाला है नहीं। अपने एयरपोर्ट से फिर आगे अपना बस ले सकते हैं या फिर मेट्रो अवेलेबल है आप लोगों का, तो कोई आप लोगों को टेंशन नहीं रहेगा। देख सकते हैं आप लोग आनंद विहार रेलवे स्टेशन से आप लोगों का सामने पड़ता है, बाकी अपना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप लोगों का सामने पड़ता है, तो कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होगा नहीं कॉलेज को रीच आउट करने में, ठीक है। चलिए बताते हैं क्या क्या कोर्सेस ऑफर होते हैं। तो कोर्सेस में देखिए आप लोग बीटेक, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीएससी, डेटा साइंस, बीए, एलएलबी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, बीएड, बीएससी, एग्रीकल्चर, होटल मैनेजमेंट एंड मैनी मोर, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कोर्सेस है आप लोग, जिस कोर्स में आप लोग एडमिशन लेना है उसको इसमें परस्यू कर सकते हैं आप लोग। अभी बहुत सारे और डिफरेंट डिफरेंट और भी है, तो आप लोग कुछ अगर ज्यादा भी चाहिए नॉलेज तो आप लोग इसका वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, आप लोग लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप सारा कोर्स को पता कर सकते हैं, ठीक है। नहीं चलिए बताते हैं फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर में नॉर्मली आपका बीटेक ट्यूशन फीस आपका जो है बहुत ही कम फीस है, आपका ट्यूशन फीस है देख सकते हैं आप लोग ऑलमोस्ट आपका अप्रोक्स 6 लाख का करीब करीब आप लोगों का टोटल 4 ईयर में खर्चा होगा। तो डिफरेंट अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज से अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो बहुत ही कम फीस है, डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज में कंपेयर कर, इसमें पहले वीडियो बना चुके हैं, तो कॉलेज का जो था आप लोगों का 10 लाख से अबव था, तो देख सकते हैं आप लोग उसमें 6 लाख में भी आप लोगों का ट्यूशन फीस आप लोग कंप्लीट हो जा रहा है। बाकी हॉस्टल फीस आप लोगों का 1,22,000 आप लोगों का पर ईयर है, 1,32,000 में आप लोगों का 1 ईयर का आप लोगों का हॉस्टल फीस है, बाकी नॉर्मली यार प्राइवेट कॉलेज कराता ही है 1 से 1.5 लाख आप लोगों का प्राइवेट कॉलेज कराता है आपको हॉस्टल फीस, ठीक है। तो हर जगह मैनेजेबल है। बाकी आपको फीस देख सकते हैं, फीस आपका 6 लाख तक और हिसाब आपका 4 लाख, मतलब मान के चलिए आप लोग 10 लाख में सारा पूरा बीटेक डिग्री आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग परस्यू करते हैं इस कॉलेज से, तो ठीक है। आप लोग फीस स्ट्रक्चर, बाकी जो फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके लिए आगे आप लोगों का स्कॉलरशिप भी मिलता है आप लोगों को, अगर आप लोग स्कॉलरशिप अगर आप अवेल कर लेते हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फीस चुकाने में, ठीक है। तो फीस आप लोग इतना दिखने में लग रहा है आप लोगों को, लेकिन आप लोग स्कॉलरशिप आगे देखेंगे तो आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा चीज आप लोगों को फीस का आप लोगों का कम हो जाएगा और अपना इसमें अपना डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कॉलरशिप एंड फंडिंग, तो आप लोग स्कॉलरशिप फंडिंग देता है, प्रोवाइड करता है ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको कुछ भी अगर आप लोगों को दिक्कत है, आप फैमिली प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, और अगर आप लोग इसमें अच्छा मार्क्स आता है आप लोग अगर एकेडमिक अगर आप लोगों का अच्छा रहता है, अगर आप लोग अच्छे 8 CGPA से प्लस अगर आप लोग मार्क्स रखते हैं तो उसमें आप लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म और आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाएगा। बाकी देख सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट समाज कल्याण ऑफिस, देख सकते हैं हम लोग जैसे झारखंड गवर्नमेंट आप लोगों का ई कल्याण आप लोगों का वेबसाइट से आप लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं ई कल्याण गवर्नमेंट, तो आप जैसे आप लोगों का उत्तर प्रदेश का आपका समाज स्टेट
स्टेट गवर्नमेंट समाज कल्याण ऑफिस से आप लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, तो वहां से भी आप लोग स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, अपना आप लोगों को फीस में आप लोग देने में आप लोगों का हेल्प हो जाएगा। ठीक है, वो स्टूडेंट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप यूपी स्टेट, जो कि आप लोग यूपी का स्टेट को स्टूडेंट है वो लोगों के लिए एलिजिबल रहेगा। बाकी आप लोग ऑल द गाइडलाइंस आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो सारा गाइडलाइंस आप लोगों को यूपी गवर्नमेंट समाज कल्याण ऑफिस में आप लोगों को सारा चीज वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा, और फीस रिलेक्शन आप लोगों को पॉलिसीज जो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं और अपना फीस को कम कर सकते हैं। मैं चलिए बताते हैं आप लोग मोड्स ऑफ एडमिशन, तो आप लोग कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बाकी इसमें डायरेक्टली भी एडमिशन हो जाता है अगर आप लोग जेएमएन से देते हैं, और अगर आप लोग अगर ट्रिपल ई से देते हैं या फिर एलएसए एलएसएट और नाटा और ट्रिपल आई ये सब यूपीएससी मैट कैट ये सब से अगर आप लोग क्वालिफाई रहते तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत होने वाला रहेगा नहीं। ठीक है, बाकी इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है, अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो नीचे आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, इंक्वायरी नंबर दिया होगा, वहाँ से आप लोग जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं चलिए बताते हैं 40 आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप लोगों को 45 प्लस मार्क्स आप लोगों का एस सी एस टी का डिग्री होना चाहिए आप लोगों को 12th में। ठीक है, और अगर आप लोगों को एस टी से बिलोंग नहीं करते जनरल ईडब्ल्यू एस ओबीसी के लिए आप लोगों को 50% मार्क्स आप लोगों को प्लस होना चाहिए 12th में। ठीक है, तो ये आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिए। नेक्स्ट चलिए आप लोग ये बताते हैं आप लोग और इंस्टीट्यूशन पे, तो इंस्टीट्यूशन के बारे में बताते हैं। ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी अप्रूव बाई AICTE एंड एफिलिएटेड बाई AKTU लखनऊ, कॉलेज कोड अपना कोड आप लोगों का 132। ठीक है, तो एफिलेटेड आप लोगों का AICTE से आप लोगों का एफिलेटेड है, आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगा नहीं, और एफिलेटेड आल्सो एफिलेटेड टू AKTU लखनऊ, तो AKTU लखनऊ जो होता है कुछ एफिलेशन होता होगा वहां से आप लोगों का ये आप लोगों का एफिलेटेड। ठीक है, बाकी जो ये आपको MBA इंस्टीट्यूट जो इसका जो MBA इंस्टीट्यूट है बताया आप लोग स्टार्टिंग में बताएं कि डिफरेंट यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, तो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट बीटेक के लिए अलग इंस्टीट्यूशन है, आप लोग MBA के लिए अलग इंस्टीट्यूशन है, BBA MCA सब के लिए अलग इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो आप लोग जो MBA का इंस्टीट्यूट है वो आप लोगों को भी अप्रूव्ड AICTE से एंड एफिलिएटेड बाय AKTU लखनऊ, कॉलेज कोड आप लोगों का 272, और ग्रेटर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडी वो आप लोगों का PGDM जो आपका PGDM को रहता है वो अप्रूव्ड है आपका AICTE से एंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप लोगों का AICTE से भी अप्रूव्ड है और मिनिस्ट्री ऑफ HRD गवर्नमेंट से भी अप्रूव है। ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन से ये एफिलिएटेड है, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाला नहीं है अगर आप लोग पूरा इसमें अपना डिग्री कंप्लीट करते हैं तो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैनी मोर लिखा हुआ, आगे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, फिर चलिए आप लोग बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आप लोग प्लेसमेंट रिकॉर्ड, सबसे पहले आप लोग कॉलेज में स्टूडेंट यही सर्च करते हैं कि उसको प्लेसमेंट्स कितना है, क्योंकि सबको अपना फ्यूचर से आप लोग ये है, तो फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि उस कॉलेज में ज्यादा प्लेसमेंट होगा तो अच्छा है कि उसमें परस्यू कर सकते हैं, अपना डिग्री देख सकते हैं आप उसका पैकेज कितना, हाइस्ट पैकेज आपको 70 लाख पर है ना, देख सकते कितना अच्छा पैकेज यहाँ किया हुआ, और एवरेज पैकेज की बात करें जो कि आप लोगों का 7.6 है, मतलब आप लोगों का ऑलमोस्ट आपका 6 लाख पर एनम आप लोगों का है, और मीडियम पैकेज देख सकते हैं 8 लाख। मीडियम पैकेज वही होता है आप लोगों का कि जो प्लेसमेंट हम पहले ही बता चुके, जो आप लोगों का प्लेसमेंट जितना रहता है और 100 स्टूडेंट का प्लेसमेंट लगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जितना प्लेसमेंट अगर डाल देते हैं जो 50 रहेगा जो मिडिल वैल्यू जो रहेगा प्लेसमेंट्स का वही आप लोगों का मीडियम पैकेज होता है, तो मीडियम पैकेज देख सकते 8 लाख पर एनम बाकी बहुत अच्छा लेवल का। ठीक है, और एवरेज पैकेज आपको 6 लाख बताई दी, हाइस्ट पैकेज देख सकते कितना अच्छा, और पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइजेशन देख सकते कितना 400 रिक्रूटर्स है, 400 प्लस कंपनीज यहाँ पे विजिट करते हैं, देख सकते हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होने वाला है अगर आप इसमें बीटेक डिग्री अपना कंप्लीट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस यहाँ से अपना अवेल करते हैं तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। डिफरेंट बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन नहीं है लेकिन आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा है क्योंकि 400 प्लस रिक्रूटर्स यहाँ पे है, तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा तो अपना प्लेसमेंट आराम से अपना ग्रैब कर सकते हैं। चलिए बताते हैं क्यू रिक्रूटर्स, बताते हैं कौन कौन से क्यू रिक्रूटर्स यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोगों को ओप्पो लूडो ओकाहामा ACC वोडाफोन, फिर आप लोगों का तिरुचि HSBC, फिर आपका टाटा स्टील इन्फोसिस अमेजोन एयरटेल डिफरेंट डिफरेंट आदित्य बिरला ग्रुप ये सब डिफरेंट मास रिक्रूटर्स कंपनी है जो कि हर कॉलेज में विजिट करते हैं, इस कॉलेज में भी अपना विजिट करते हैं आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं आप लोगों का, इसमें आराम से आप लोगों को प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आराम से प्लेसमेंट पैकेज अपना ग्रैब कर सकते हैं। नेक्स्टली आप लोग बताते हैं कैंपस लाइफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट एडमिशन लेते तो आप लोग वहाँ पे होना चाहिए, यहाँ 4 साल आप लोगों को गुजारना है वहाँ पे, तो अपना कैंपस लाइफ भी अच्छा होना चाहिए, हॉस्टल फैसिलिटीज अच्छा मिलना चाहिए। चलिए आप लोग बताते हैं क्या क्या फैसिलिटीज आप लोगों को मिलने वाला कॉलेज में, तो कैंपस देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग है यहाँ पे आप लोगों का GNITU का, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को हॉस्टल्स दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों का कॉलेज का कैंपस दिया हुआ है, यहाँ पे अपना लैब्स सब चीज है, तो कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाला नहीं पूरे 4 साल में। ठीक है, आप लोगों को रहने होने में देख सकते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में आप लोगों को टेबल टेनिस मिल जाएगा, फुटबॉल ग्राउंड मिल जाएगा, बाकी डिफरेंट डिफरेंट और भी बहुत सारे फुटबॉल आप खेल सकते हैं, बास्केटबॉल वॉलीबॉल सारा चीज यहाँ फैसिलिटीज मिल जाएगा आप लोगों को। नेक्स्ट बताते हैं आप लोग क्लासरूम से लाइब्रेरी, क्लासरूम से देख सकते हैं आप लोगों को यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल लैब से कर रहे स्टूडेंट लोग यहाँ पे लैब कर रहे हैं, देख सकते हैं लाइब्रेरीज है यहाँ पे बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, यहाँ पे कोई आप लोगों को प्रॉब्लम होगा नहीं, अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं आराम से, लैब कर सकते हैं, कोई आप लोगों को दिक्कत होगा नहीं। ठीक है, नहीं चलिए बताते हैं आप लोगों को ट्रांसपोर्ट एंड कैंटीन, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज के लिए यहाँ पे अपना अपना खुद का आप लोग प्राइवेट बस चलता है। ठीक है, तो प्राइवेट बस चलता है तो आप लोग डिफरेंट जगह में पीजी में लेके भी रह रहे हैं, अगर आप लोग हॉस्टल नहीं लेकर रह रहे और पीजी में ले रहे तो आप लोग अपना बस ले सकते हैं और बस से आप लोग आना जाना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, बाकी अपना कैंटीन भी यहाँ पे है तो अपना खाने पीने का भी आपको कोई दिक्कत नहीं
होगा पूरा 4 साल का डिग्री में, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बताते हैं हॉस्टल्स एंड फैसिलिटीज। हॉस्टल्स भी आप लोग यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल सब अलग अलग है, ठीक है। बाकी आप लोग फैसिलिटीज यहाँ पे मिल जाएगा सारा चीज, आप लोगों को कोई दिक्कत होगा नहीं। बाकी देख सकते हैं बिल्डिंग बहुत ही अच्छा खासा है, तो आप लोग कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। मास में जो स्टूडेंट लोग यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बताते हैं आप लोगों को हाउ टू रजिस्टर। सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग अगर इसमें एडमिशन आना चाहते हो कैसे आप लोग रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लोग एप्लीकेशन और गूगल फॉर्म का लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी आप लोग ऑफिशियल लिंक मिल जाएगा वेबसाइट पे, वहां से भी आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, वहां से भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और आप लोग कुछ भी क्वेरी होता है, कुछ भी अगर आप लोग डाउट होता है तो नीचे आप लोगों को नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहां से अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को कमेंट कर सकते हैं मेरे साथ, कमेंट करने के बाद आपको सारा चीज हम डाउट क्लियर कर देंगे। कुछ अगर आप लोग डाउट होता है तो कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट करके रखेंगे, सारा चीज आप मेरे से पूछ सकते हैं, हम सब चीज आपको कॉन्टैक्ट करके सारा चीज आपको डाउट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। इस वह सारा चीज आपको बता दिया, आयो वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, न्यू कॉलेज के बारे में आपको जानने को मौका मिला होगा। तो ऐसी वीडियो के लिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कि आप लोगों के लिए और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आते रहे नेक्स्ट में। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।